स्टार्ट करो। गिर गिर ही दिया करो घर पे घर कर ज़्यादा गिर गिर ना दिया करो। जल्दी करो जल्दी पानी प्यास वर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात
फातिहा पढ़कर मरहूम अलहाज डॉक्टर मोहम्मद मेहंदी हज़रत इब्ने अब्बास हज़रत मरहूम बा दिया करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इयाका हज़रत सलाम के शेर एक शेर पर तवज्जो चाहूँगा बतौर ख़ास। शबीर में
सकते सर झुका सर।
सकते हम कफन अपने बिना
सकते हज़रत एक मरहूम की मंजिस है, इमाम हुसैन के वाले से मरसिया है, एक एक बंद पे तवज्जो चाह रहा हूँ, इंशाअल्लाह मसाइब होंगे। गिराया जाता अली
मर्जी को जिस वक्त सर पे गुर्जे लगा लगी जो बरछी तो मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया था कि मुझे पेशानी करनी है और मैं रास्ते में था तब तक रूमी साहब का फ़ोन आ गया। बहरहाल जो कुछ याद है मैं सुनाई दे रहा हूँ। एक सलवार पढ़े आप हज़रात। अज़ाए शय के चमन से गुलाब लेके उठो। बहुत अच्छा है, क्या कहना कि अज़ाए शय के चमन से गुलाब लेके उठो। सवाब आए वो लेने, सवाब लेके उठो। अज़ाए शय के चमन से गुलाब लेके उठो। सवाब आए वो लेने, सवाब लेके उठो। और ये दर्सगाह शोएब भाई कि ये दर्सगाह हुसैनी है अपने जहनों में, कि ये दर्सगाह हुसैनी है अपने जहनों में। सवाल आए वो लेकर जवाब लेके उठो। सवाल आए वो लेकर जवाब लेके उठो।
और सब कदम बढ़ाओ सफ़े सादिकीन की जानिब, कि कदम बढ़ाओ सफ़े सादिकीन की जानिब। गुजर रही है सदी इनकलाब लेके उठो, गुजर रही है सदी इनकलाब लेके उठो। और तुम्हारे सामने अकबर भी हैं हबीब भी हैं, कि तुम्हारे सामने अकबर भी हैं हबीब भी हैं। अगर ज़ईफ़ हो अहदे शबाब लेके उठो, अगर ज़ईफ़ हो अहदे शबाब लेके उठो। एक नारे सलवात आप हज़रत शाह फरमाएं। सरकार एक मतलब दो तीन शेर और मुलाज़ा फरमा लें कि चराग़े मकसद सरवर जला दिए गए हैं, कि चराग़े मकसद सरवर जला दिए गए हैं, यजीदियत के अंधेरे मिटा दिए गए हैं, कि चराग़े मकसद सरवर जला दिए गए हैं, यजीदियत के अंधेरे मिटा दिए गए हैं। और हुसैनियत का जिन्हें आईना पसंद नहीं, कि हुसैनियत का जिन्हें आईना पसंद नहीं, वो लोग राह के पत्थर बना दिए गए हैं। कि हुसैनियत का जिन्हें आईना पसंद नहीं, वो लोग राह के पत्थर बना दिए गए हैं, वो लोग राह के पत्थर बना दिए गए हैं। और जो तीन नाम किताब शरफ में लिखे थे, बतौर ख़ास ये शेर, कि जो तीन नाम किताब शरफ में लिखे थे वो तीनों नाम गलत थे, हटा दिए गए हैं। तो जो तीन नाम किताब शरफ में लिखे थे वो तीनों नाम गलत थे, हटा दिए गए हैं। और जो लोग करते हैं खूने हुसैन का सौदा, कि जो लोग करते हैं खूने हुसैन का सौदा, वो लोग आज नज़र से गिरा दिए गए हैं। कि जो लोग करते हैं खूने हुसैन का सौदा, वो लोग आज नज़र से गिरा दिए गए हैं। जो तीन नाम किताब शरफ में लिखे थे वो तीनों नाम गलत थे, हटा दिए गए हैं। अब मैं अपने बड़े भाई शुएब नौगावी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और बारगाह मौला में मंजूर नजराने क़िदत पेश करें। आप हज़रात एक नारे सलवात से उनका खैर मकदम करें। अल्लाह आपको सलामत रखे, शाद आबाद रहें। हाज़रीन सलाम अलैकुम। मेरे लिए सआदत है कि आपके सामने यहाँ सबक सुनाने का मौका मिला है। मैं एक अपनी कमाई का एतराफ़ बार बार करता हूँ कि कुछ आता जाता नहीं है। बुज़ुर्गों ने जो याद कराया था वही छोटों को। अल्लाह आपको सलामत रखे, शाद आबाद रहें। मैं पढ़ता हूँ, कुछ कोशिश करता हूँ बारगाह अहले बैत में कुछ सबक सुना दूँ। एक बाबा ज़बर सलावात की गुज़ार, सुन भाई कथा पढ़ता हूँ फिर इशारे सवाब के लिए सब कुछ। फर्श अज़ा बैठे हैं सुकाने अर्श भी, फर्श अज़ा बैठे हैं सुकाने अर्श भी, शामिल है अंबिया की सफ़े शायबीन में, शामिल है अंबिया की सफ़े शायबीन में। दो मिसरे पढ़ता हूँ आपकी इजाज़त से। मत पूछो हमसे मजलिस सरवर की अजमतें, मत पूछो हमसे मजलिस सरवर की अजमतें, मत पूछो हमसे
نظر سامعی میں آتے ہیں خود رسول نظر سامعی میں آتے ہیں خود رسول جی ہاں اس لیے سنایا اللہ آپ کو سلامت رکھے اس سے متصل کرتا ہوں اس قطعے سے میں مطلب متصل کرتا ہوں ملاحظہ کیجیے آپ کے لیے کہ آپ کی کیا عظمتیں ہیں لیکن آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں صلوات کی گزارش کرتا ہوں صدا نظر میں تمنا سیدا رکھنا صدا سنو یہ ہے امانت زینب یہ آرزو بطول بہت سنبھال کے سرمایہ عزا رکھنا بہت سنبھال کے سرمایہ یہ سعادت پاتے ہیں ان کے لیے خصوصیت سے ایک پیغام ہے میرا یہ جان لینا کہ جنت بلا رہی ہے تمہیں یہ جان لینا کہ جنت بلا رہی ہے تمہیں کبھی جو اپنے قدم سوئے نینوا تمہید کے مصرے پڑھتا ہوں بس اتنی بات ہر ایک سے دوستی نہ ہوئی بس اتنی بات ہر ایک سے دوستی بس اتنی عزائے شیخ مخالف سے دوستی
ज़रा सी शायरी है, उसमें से सबक सुनाता हूँ बुजुर्गों को। चरा मजलिस सरवर के ज़ौफ़िगन है यहाँ, चराग मजलिस सरवर के ज़ौफ़िगन है यहाँ, बहुत संभाल के अपने कदम हवा रखना, और बहुत संभाल, बहुत संभाल के रूप रूप दिया। चराग मजलिस सरवर के ज़ौफ़िगन है यहाँ, बहुत संभाल के अपने कदम हवा रखना। खुदा ही जाने, सुनिएगा शेर, खुदा ही, अपनी पसंद का शेर पढ़ रहा हूँ। खुदा ही जाने हुआ क्या है बाद कर बो बला, खुदा ही जाने सितम ने छोड़ दिया घर में आईना रखना, सितम खुदा ही जाने हुआ क्या है बाद कर वो बला, खुदा ही सितम ने छोड़ दिया घर में आईना रखना। और नौजवानों को, मातमियों को हदिया समाप्त करता हूँ। शेर मुलाहिजा कीजिए, शायद ये महसूस किया हो कभी, चला उठा के जो हाथों में परचम ए अब्बा, चला पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा कीजिए, पैगाम है। हुसैनियत की झलक हो हर एक अमल में शुएब, हुसैनियत की झलक हो हर एक अमल में शुएब, बसा के रूह में तहजीब करबला रखना। ये पेशानी थी मेरी उम्दतुज़ाकरीन ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना वज़ीर अज़हर पाशा साहब क़िबला के लिए, उनसे इल्तिमास गुज़ार के तशरीफ़ लाएँ और फ़ज़ाइल मसाइल मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सलावा।
एक मरतबा सूरह हम्द और तीन मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर बतफ़ैले चहरदम आसमीन अलैहिस्सलाम मरहूम अलहाज डॉक्टर मोहम्मद महदी हैदर इब्ने अब्बास हैदर मरहूम की रूह के लिए हदिया इसराफ। اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير। मरहूम के साले सवाब और बुलंदी दराजात की नीयत से बकदर मारिफत नाहे सलावात। मौलाना वसी हैदर साहब कबल तशरीफ़ ला चुके हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आगे तशरीफ़ ले आए, सदर मजलिस में तशरीफ़ ले आए। सलावात कर्ज समझ कर नहीं बल्कि फ़र्ज समझ कर पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु फ़क़द क़ाला अलीयुन अलैहिस्सलाम अन्नासु सलासतुन फ़आलिमुन रब्बानीयुन व मुतअल्लिमुन अला सबीले नजात वहमजुन राउन इतबा कुल्ला नायकिन यमीलूना मा कुल्ले रीहिन लम यस्तजीउ बिनूरिल इल्म वलम यलजउ अला रुकनिन वसीक। सलावात हाज़रीन बज़्मे मारिफ़त और सामईन ग्रामे मंज़िलत, इस हाले सवाब की इस मिली से अज़ा में आपकी खिदमत में हाज़री का शरफ़ हासिल करते हुए मरहूम के इस हाले सवाब और बुलंदी दर्जात के लिए इस होने वाली मिली से अज़ा में आपकी ज़ियाफ़त ईमानी और रूहानी के खातिर मौलिम उसूल हयात यानी मौला कायनात अलैहिस्सलाम के मौला मुत्तकियान खुदाए फसाहत ना खुदाए बलागत मुजीद आहंग फसाहत खालिक नहज बलावत वक़ार हरम मौलूद बैत किबरिया इमामुल मुत्तकीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहज बलावत मौला फरमाते हैं कि अन्नासो सलासतुन, देखो तीन किस्म के लोग हैं। इस पूरे आलम इंसानियत को मौला ने तीन हिस्सों में तकसीम किया। मेरी गुफ्तगू हो आप सब खामोश हो जाएं, लेकिन अगर इमाम का कलाम हो तो याद रखिए कि इमाम का कलाम कलामों का इमाम होता है। इमाम की बात बातों की इमाम होती है। ये इमाम का कलाम है और इमाम के कलाम का समरा होता है तफक्कुह।
इमाम के कलाम का नतीजा होता है कि उससे समझने की सलाहियत पैदा होती है। इमाम फरमाते हैं कि अन्नासो सलासतों, लोग तीन किस्म के हैं। देखिए, मेंबर के अपने तकाजे हैं, मेरे अकीदे के अपने कुछ और तकाजे हैं, और मेंबर के भी वही तकाजे हैं। मेरे अकीदे का तकाजा ये है कि मासूमीन अलैहिस्सलाम का जब नाम लिया जाए तो इतने अदब व एहतराम के साथ नाम लिया जाए कि सामईन के कुलूब को मुनव्वर करने के लिए नारे सलावात भी पढ़ना ज़रूरी हो जाए। हमने बचपन से ये देखा कि मौलाए कायनात का जब नाम बुज़ुर्ग लेते हैं तो डायरेक्ट नामे नामी इसमें ग्रामी नहीं लिया जाता, बल्कि मुश्किल कुशा कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, जनाब अमीर कहते हैं, मौलाए कायनात कहते हैं। ये इमाम अली पहले नहीं कहा जाता था, मौलाए कायनात, मुश्किल कुशा। यहाँ सब हजरात इस बात को जानते होंगे, मुश्किल कुशा, मौलाए कायनात, ये सारे आपके अलकाब आदाब, सरकार का नाम डायरेक्ट नहीं लिया जाता था, इसलिए कि इसमें एहतराम का पहलू बहुत है। अहले मारिफत अपने अपने अतबार से मौला का नाम लेते हैं, और मौला का कलाम नहज बलागा में मौजूद है, उसमें से मैंने चंद कलिमात तिलावत करने का शरफ हासिल किया। मौला फरमाते हैं कि अन्नासो सलासतुन, तीन किस्म के लोग हैं। ये पूरा आलम इंसानियत तीन हिस्सों में मौला ने तकसीम किया। फरमाते हैं फ़ालिमुन रब्बानीयुन, एक वो तबका है जिसे आलिम रब्बानी कहा जाता है। व मुतअल्लिमुन अला सबील निजात, एक वो तबका है जिसे आलिम तो नहीं कहा जाता मगर वो मुतअल्लिम है, वो स्टूडेंट ऑफ राह निजात है। बड़ी खसूसी तवज्जो चाहिए मुझे इस मरहले पर। शिराज हिंद में बैठा हूँ, जौनपुर के पढ़े लिखे लोगों के दरमियान बैठा हूँ, माशाल्लाह इल्म अदब के हवाले यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मौला फरमाते हैं तीन किस्म के लोग हैं, एक आलिम रब्बानी है, एक वो है जो आलिम तो नहीं मगर मुतअल्लिम है। देखिए, लफ्ज़ आलिम, अल्लाह को आलिम कहा जाता है, अल्लाह के बाद मासूमीन अलैहिस्सलाम आलिम है, उसके अलावा जो भी आलिम है वो आलिम मुतलक नहीं है। अहले बैत अलैहिस्सलाम अल्लाह के बाद आलिम है, ठीक है, लेकिन आलिम जितना बड़ा भी आलिम हो मगर कोई ना कोई मौजू ऐसा होगा जिसका वो आलिम नहीं होगा। इसका मतलब ये कि आलिम कुल होना और है आलिम होना और है। जो भी गैर मासूम है वो आलिम है लेकिन आलिम कुल नहीं है। उलमा का बड़ा एहतराम बताया गया है, और जो कौम अपने उलमा का एहतराम न करे वो कौम बदनसीब होती है, इसलिए कि उलमा का ताल्लुक इल्म से है, इल्म का ताल्लुक ऐन इल्म से है, बाब इल्म से है और शहर इल्म से है। एक मुतअल्लिम है जो इल्म हासिल करता है, वो स्टूडेंट है। देखिए, मुतअल्लिम हासिल करने वाला, जब हम मदरसे में पढ़ते थे तो हमारी डायरी पर लिखा होता था कापी को वसी साहब मुतअल्लिम नाज़मिया के हेडिंग, उसके नीचे लिखते थे जामिया नाज़मिया, यानी इल्म हासिल कर रहे हैं। देखिए, मसला है कि हम सबको समझना चाहिए कि हम मुतअल्लिम हर शख्स होने का दावा करने लगे के अलावा कुछ नहीं, हम मुतअल्लिम हैं। असल में परेशानी यह है कि मुफक्किर खत्म हो गए, मुतफक्किर पैदा हो गए। परेशानी का सबब जाहिद नहीं मुतजाहिदीन है। मुतअल्लिम को समझिए, आलिम रब्बानी है और मुतअल्लिम है। ये बात भी कहता चलूं, और बहुत काबिल गौर बात है, इस पर ज़रा सा गौर कीजिएगा और बार बार गौर कीजिएगा। हम ये समझते हैं कि जब हम एक मदरसे में पढ़ते थे, एक मखसूस वक्त का मखसूस हिस्सा जो था, उस वक्त हम तालिब इल्म थे। नहीं, इंसान को हर वक्त तालिब इल्म रहना चाहिए। तालिब का मतलब तलब करने वाला, जिसमें जज्बे तलब पाया जाए।
हमें जब मदरसे में है तब तालिबे इल्म नहीं होना है, जिंदगी के हर हिस्से में तालिबे इल्म होना है। अब ये बात तो मैं हदीस की रोशनी में कह रहा हूँ और उस मजमे के सामने कह रहा हूँ जो रोजाना हदीस रसूल सुनता है। हुजूर ने फरमाया है कि मिनल महदे इलल लहद, इल्म हासिल करना है गहवारे से कब्र तक। इसका मतलब यह कि हमें तालिबे इल्म किसी मदरसे में जाकर नहीं बनना है कि सिर्फ उस मसले मदरसे में थे तो हम तालिबे इल्म थे, नहीं, हम माँ की गोद से लहद की गोद तक, आगोश मादर से आगोश लहद तक जितनी भी जिंदगी गुजारें वो तालिबे इल्माना जिंदगी हो, हम इल्म के तलब करने में जिंदगी गुजारें। और फिर इसमें एक हदीस और भी है मासूम की, मौला फरमाते हैं जिसने अपने इल्म को काफी समझा उसने अपने सफरे मारेफत को रोक लिया। अल्लाहु अकबर। साहिबाने मारिफत तशरीफ फरमा है, साहिबाने इरफान तशरीफ फरमा है। मौला क्या फरमाते हैं, जितने जिसने अपने इल्म को काफी समझा उसने अपने सफरे मारिफत को रोक लिया। मतलब क्या है, इल्म के नतीजे में मारिफत पैदा होती है, रटने का नाम इल्म नहीं है। इल्म वही इल्म है जिसके नतीजे में मारिफत पैदा हो। मुझे बाबतपुर उतरकर यहाँ आना था तो मैं हाईवे के जरिए से आया हूँ, जनाब सईद साहब मुझे लेके आए हैं बनारस से, सईद भाई की मोहब्बतें हैं, उन्होंने मुझे बुलाया और फिर मुझे लेके यहाँ तक आए हैं जौनपुर तक, शिराज हिंद तक। मैं यहाँ पहुँचूँगा, डेस्टिनेशन क्या है, मंजिल क्या है, जौनपुर, जौनपुर का महल्ला बलवा घाट, मुझे यहाँ मजलिस पढ़ना है, ये मेरी मंजिल है, ये मेरा डेस्टिनेशन है, ये मेरा मतलूब है, मकसूद है। मतलूब मकसूद तक पहुँचना है तो रास्ते पर ज़रूर आना है, रास्ते पर नहीं आऊँगा तो मतलूब नहीं मिलेगा। मारिफत मतलूब है तो इल्म के रास्ते पर आओ, अगर इल्म नहीं होगा तो मारिफत नहीं होगी, मारिफत नहीं होगी तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मवद्दत का हक कैसे अदा होगा। इस बात को जरा सा और फैलाइए, दो बातें हैं, मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा हूँ, आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, दो बातें हैं, इल्म और मारिफत। इल्म कहते हैं जानने को, मारिफत कहते हैं पहचानने को। इल्म क्या है, जानना, मारिफत क्या है, पहचानना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अहले बैत को जानने का हुक्म है या पहचानने का हुक्म है? अरे भाई ये तो सब जानते हैं कि हुसैन हैं, अली हैं अलैहिस्सलाम, पहचानते कितने हैं कि अली कौन है, पहचानते कितने हैं कि हुसैन कौन है। दो लफ्जे मैंने रखी आपके सामने, इल्म और मारिफत, दो लफ्जे और रखता हूं, एक लफ्ज है मोहब्बत, एक लफ्ज है मवद्दत। मोहब्बत और है, मवद्दत और है, दोनों की वजाहत नहीं कर रहा हूं, बस इशारा करके गुजर रहा हूं। इल्म जानने को कहा जाता है, मारिफत पहचानने को कहा जाता है, वैसे ही मोहब्बत और मवद्दत है। अगर जान के मोहब्बत है तो मोहब्बत है, पहचान के मोहब्बत है तो मवद्दत है। हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को सिर्फ जानने का हुक्म नहीं, हमें उन्हें पहचानने का हुक्म है। और कोई ये दावा भी नहीं कर सकते कोई साहब कि हमने पहचान लिया, इसलिए कि हमें पहचानने का हुक्म है मगर अपनी औकात के दायरे में रहते हुए। अल्लाह अकबर। साहिबान इरफान तशरीफ फरमा है, पढ़े लिखे अफराद तशरीफ फरमा है। एक जुमला आहिस्ता कहूँ, हमें पहचानने का हुक्म है, पहचानने की कोशिश करना है मगर बकदरे तकाजाए बशरी। हम बशर हैं, हमें याद रहे, हमें ये याद रहे कि हमारी परवाज कहाँ तक है। अहले बैत के मकामे मारिफत तक कोई पहुंच नहीं सकता, कोई इन जैसा हो नहीं सकता, इसलिए कि अंबिया इन जैसे नहीं हैं, मुरसलीन इन जैसे नहीं हैं, रसूल इन जैसे नहीं हैं। अरे जो नबी का पसीना है वो और है, जो नबी के खून से है वो और है, दोनों में फर्क है। इन्हें पहचानने का हुक्म है मगर तो हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को पहचानने का हुक्म है मगर अपनी औकात जानते हुए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई साहब ये कह दें हम भी उन जैसे, और हमें कहना पड़े कि कभी आईना भी देखा है, हम भी उन जैसे। मौला फरमाते खबरदार, ला युकासो बिना अहद, खबरदार हम पर किसी का कयास ना करना, ना इन जैसा कोई था ना है ना हो सकता।
कसम खुदा की मैं बहुत कुछ कह रहा हूँ जुमले में, ना इनका आना हमारी तरह है ना इनका जाना हमारी तरह है। हम पैदा होते हैं तो इतने नजीस होते हैं कि गुस्ले विलादत दे के पा किया जाता है। बहुत दूर तक बात जा रही है, जरा समझिए इस बात को, नौजवानों से कह रहा हूं, बुजुर्गों को अपना सबक सुना रहा हूं। हम आए तब भी नजिस, गए तब भी नजिस, आए तो गुस्ले विलादत दे के पाक किया और जाते वक्त तो इतने नजिस हो गए कि किसी पाक ने छू भी लिया तो गुस्ले मसे मैयत वाजिब हो गया। तो हम आए तब भी गुस्ल दे के पाक किया गया, जब गए तब भी गुस्ल दे के पाक किया गया। मगर वो अहले बैत हैं जो आते वक्त भी पाक, जो जाते वक्त भी पाक। दलील ये है, आते वक्त पाक ना होते तो काबे में आए ना होते, जाते वक्त पाक ना होते तो मस्जिद में शहीद ना होते। ये आते वक्त भी पाक है, ये जाते वक्त भी पाक है। और ऐसे ही नहीं, इसे जाकिरी का नुक्ता ना समझिएगा, इनका आना हमारी तरह नहीं और इनका जाना हमारी तरह नहीं। लफ्जों की बहस में उलझ के लोग कौम को इख्तलाफ में बिठा देते हैं, इख्तलाफ का शिकार बना देते हैं। ज्यादा बहस ना कीजिए उनके आने के लिए, लफ्जी बहस ना कीजिए। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, मैं बहुत कुछ कह रहा हूँ शोएब भाई, बड़ी तवज्जो चाह रहा हूँ। देखिए, उनके आने के लिए लफ्जी बहस में ना उलझिए। और ये भी याद रखिए कि शिद्दत से कौम में इख्तलाफ पैदा होता है। शिद्दत जाहिलों का रवैया है, आलिमों की शान के खिलाफ है शिद्दत। नहीं, मैं काफी में जुमला कह दूं, शोरा बैठे हैं, औलमा शिद्दत से नहीं हिकमत से काम लेते हैं। औलमा का तरीका होता है कि वो हिकमत से काम लेते हैं। अगर देखिए, जमाने के एतबार से लफ्जे अपनी आबरू खो लेती हैं, अल्फाज की आबरू खत्म हो जाती है जमाने के बदलते बदलते, ऐसा है कि नहीं? अल्फाज मतरूक हो जाते, शोरा की जबान पर अल्फाज मतरूक हो जाते। कितने अल्फाज थे जो मिर्जा दबीर और मीर अनीस के ज़माने में थे, इस्तेमाल होते थे, मुस्तमल थे, आज मतरूक हो गए। तो अल्फाज मतरूक हो जाते हैं। मैं बहुत करीब आके बताऊं, कुछ अल्फाज मतरूक हुए और बेपनाह मतरूक हुए। लफ्ज़ अखबारी जो खबर से बना, खुदा की कसम, खबर खबर हदीस की एक किस्म है और ये बहुत बड़ा बड़ी सआदत है अखबारी होना। लेकिन लफ्ज अखबारी जब उलमा से हट के छिचोरों के हाथ लगा तो लफ्ज अखबारी बदनाम हो गया। अल्फाज अपनी आबरू खोने लगते हैं, जब छिचोरों के हाथ लगा तो ये लफ्ज बदनाम हो गया, ये लफ्ज मजमूम हो गया, ये लफ्ज खराब लगने लगा। लफ्ज मलंग पहले दानिश्वर लिखते थे, उलमा कह देते थे, जोश अकीदत में आगे कह देते थे। हमने तो यहाँ तक भी सुना कि उलमा ने कहा कि हम लिबास उलमा में मलंग हैं। आज से 20 साल पहले कोई अपने को मलंग कहता था तो खराब नहीं लगता था, बल्कि ये इस्तियारा था, ये किनाया था कि मैं अहले बैत को शिद्दत से चाहता हूं। लेकिन लफ्ज मलंग आज बदनाम हुआ। और चलिए, अल्लाह की तरफ से जब ओहदे चले जमीन की तरफ, सबसे पहला ओहदा खिलाफत आया, खलीफा, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। ये खलीफा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया अल्लाह ने। लेकिन जब लफ्ज खलीफा कुछ लुटेरों ने लूटा, कुछ कह रहा हूं जरा जगाइए ज़हनों को, जब लफ्ज़े खलीफा को कुछ लुटेरों ने लूटा, आले मोहम्मद के घर पर डाका पड़ा, कुछ लोगों ने इसे लूटा, तो लफ्ज़े खलीफा इतना गिरा, या तो अल्लाह का बनाया हुआ खलीफा आदम थे खलीफा, या फिर खलीफा गिरे हजामत बनाने वाले भी खलीफा। तो अल्फाज अल्फाज अपनी आबरू खो बैठे। मैं अर्ज यह करना चाह रहा हूं कि अल्फाज अपनी आबरू खो लेते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब अगर किसी शायर ने लिख भी दिया, किसी दानिश्वर ने, शायरी इश्तियारों का नाम है, शायरी किनायों का नाम है, अगर किसी दानिश्वर ने, अदीब ने किसी अदबी तड़के तड़का लगाते हुए कह भी दिया कि अली जाहिर हुए या अली नाजिल हुए, तो अब इस पर बहस हो रही है, बहस ना कीजिए।
लफ्ज अपने पास रखें दोनों तबके के लोग, आप भी अपने पास रखिए लफ्ज, आप भी अपने पास रखिए लफ्ज। मुझे तो इतना बताइए, क्या इनका आना हमारे आने की तरह है? क्या इनका जाना हमारे जाने की तरह है? औलमा ने मना किया है कि इनके आने के मौजू पर बहस ना करना। बहुत एहतियात के पैराए में एक लफ्ज कह रहा हूं, इनकी विलादत बतरीके मारूफ नहीं होती, इनका आना हमारी तरह नहीं, उनका जाना हमारी तरह नहीं। सरकार वाली करबला, गरीब नैनवा, सुल्तान करबला, मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मकदम हिलफदा, जब मौला इस दुनिया में तशरीफ लाए और हुज़ूर ने फरमाया कि लाओ नवासा, तो किसी ने बढ़ के कह दिया कि अभी बच्चे को गुस्ले विलादत नहीं दिया गया। मुकम्मल रहमत परवरदिगार, पैगंबरे रहमत हुजूर की पेशानी पर पला है, और एक जुमला का तुम उसे पाक करोगी जिसे अल्लाह ने पाक करके भेजा है। जिनकी शरण में आए तथीर आई है, तो इनका शरफ क्या कहना, इनका आना हमारी तरह नहीं, इनका जाना हमारी तरह नहीं। ला युकासो बिना हक, खबरदार इन पर किसी को कयास ना करना, कोई इन जैसा नहीं, सबका बाप आदम भी इन जैसा नहीं है, इसलिए कि आदम भी मोहम्मद के पसीने से बने हैं, मगर ये वो हैं जो लहमों का लहमी की मंजिल पर हैं, दमों का दमी की मंजिल पर हैं। मौला तीन हिस्सों में इंसानियत को तकसीम कर रहे हैं, आलिम रब्बानी, तालिब इल्म, इल्म का तलब करने वाला मुतालिम, और तीसरा तबका मौला फरमाते हैं हम इतबाकिन। देखो एक तीसरा गिरोह वो है, एक तीसरा तबका वो है जो हर हकाने वाले के आगे आगे हो लेता है। बड़ी खसूसी तवज्जो, देखिए मौला का कलाम है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। मौला ने क्या फरमाया, तीन किस्म के लोग हैं, आलिम मुतालिम यानी स्टूडेंट, और एक वो है जो ना आलिम है ना मुतालिम है, बल्कि क्या है, हमजुन राउन इतबाकुल्ला नायक, ना उसकी कोई नज़र है ना नज़रिया है ना अकीदा है ना सोचने की सलाहियत है ना उसका अपना कोई नज़रिया है, बल्कि दूसरों की आंखों से देखता है, दूसरों के कानों से सुनता है, दूसरों के जहनों से सोचता है, दूसरों के कदम ब कदम चलता है। मौला ने फरमाया हमजुन राउन इतबाकुल्ला नायक, हर हकाने वाले के आगे आगे हो लेता है। जो मजबूत किस्म का हकाने वाला आया, जो मजबूत किस्म का गडरिया मिला, ये उसी के आगे आगे हो लिए। खुदा की कसम, खुदा की कसम, बेदार होइए, यही मजलिस का बहुत बड़ा पैगाम है। खुर्रम साहब, ये मजलिस का बहुत बड़ा पैगाम है कि मौला क्या फरमा रहे हैं, मौला फरमा रहे हैं एक तीसरा तबका वो है, तीसरा गिरोह वो है जो हर हकाने वाले के आगे होता है। और फिर मौला ने आगे वजाहत फरमाई, हम अजुन राउन इतबाकुल्ला नायकिन यमीलून अमाकुल्ल रहिम, हर हवा के झोंके पर सफर करने लगता है। जो मैंने तर्जुमा किया है उस पर भी दाद चाहिए मुझे, यमीलूना मा कुल्ले रहिन, हर हवा के झोंके पर सफर करने लगता है। मतलब क्या है, इधर से तेज हवा उधर चली तो उधर जा गिरे, झोंका इधर से तेज आया तो उधर जा गिरे। यमीलूना मा कुल्ले रहिन, हर हवा के झोंके पर सफर करते हैं। क्यों, अब ये मौला का कलाम है, इस पर गौर कीजिए। आंधी चलती है, तूफान चलते हैं, तेज हवाएं आती हैं। जब बहुत तेज आंधियां और तेज हवाएं चलने लगें, मैं पूछना ये चाहता हूं, क्या ये पिलर अपनी जगह से हिलता है, सुतून अपनी जगह से हटते हैं? लेकिन खसखशाक दरख्त के पत्ते का जमीन से उठकर हवा के दोष पर सफर करने लगते हैं। मौला क्या फरमा रहे हैं, जो तीसरा तबका है, हर हकाने वाले के आगे आगे हो लेता है। इनकी पहली निशानी यह है कि हर एक के हकाने में आ जाते हैं, हर एक गुमराह करने वाले के आगे आगे गुमराह हो जाते हैं, जो चाहे इन्हें बहका के ले जाए। दूसरी सिफत यमीलूना मा कुल्ले रिहिन, हर हवा के साथ उड़ जाते हैं। उड़ने का मतलब यह है, उड़ता वो है जिसमें वजूद ना हो। अल्लाह हो अकबर, अल्लाह हो अकबर, मेरे मौला का कलाम है, इस पर जरा गौर तो कीजिए। उड़ता कौन है, का जिसमें अपना कोई वजूद ना हो, जिसमें वजन ना हो वो उड़ जाता है, जो वजनी हो वो उड़ता नहीं है।
मौला ने क्या कयामत का फार्मूला दिया, मौला ने क्या बताया, वो जो तीसरा तबका है हर हकाने वाले के आगे आगे हर हवा के झोंके पर सफर करने लगते हैं, इनका कोई वजूद नहीं है, इनमें कोई वजन नहीं है। तो अगर चाहते हो कि हवा के साथ जमाना की आंधियां तुम्हें हिला ना सके, तो पहले अपना वजन पैदा करो, अपना वजूद बनाओ। वजन कैसे मिलेगा? नबी ने जाते जाते कहा तो वजन छोड़ के जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत से लिपट जा। बहुत शुक्रगुजार हूं। यमीलूना मा कुल रिहिन। और उसके बाद मौला फरमाते हैं, ये देखिए निशानियां जो मौला बता रहे हैं, उन निशानियों की तरफ मुतवज्जे होइए। पहली निशानी तीसरे तबके की, ये बदनसीब तबका, ये बदनसीब गिरोह, इसकी पहली निशानी हर हकाने वाले के आगे आगे, दूसरी निशानी हर हवा के झोंके पर सफर करने लगते, तीसरी निशानी लम यस्तजीऊ बिनूरिल इल्म, इन्होंने शमे इल्म से कस्ब फैज किया ही नहीं है। शमे इल्म से, अब बाबे इस्तिफाल है इसलिए तर्जुमा संभल के कर रहा हूं, इनमें जज्बाए तलबे इल्म है ही नहीं। यानी मौला बताना ये चाहते हैं कि शमे इल्म तो रोशन है, मगर शमा से रोशनी लेने वाला कोई नहीं है। काश के कोई उस शमे इल्म से रोशनी हासिल करने वाला होता, किसी में जज्बा होता, तलब का जज्बा पाया जाता कि वो इल्म हासिल करता। मतलब क्या है? ये वो कह रहा है जो खतीब मिंबर सलूनी है। यानी मौला इशारतन ये भी बताना चाह रहे हैं कि इल्म की शमा तो मिंबर पर रोशन थी, सलूनी के दावे तो हो रहे थे, मगर ये वो बदनसीब थे जिन्होंने शमे इल्म से कोई कस्बे फैज नहीं किया। लम यस्तजीउ बिनूर इल्म वलम यलजउ इला रुकनिन वसीख। अब एक और शनाख्त मौला ने बताई, मैं फिर निशानियां गिनवाऊं। क्या बताई मौला ने? हर हकाने वाले के आगे आगे, हर हवा के झोंके पर सफर, इल्म हासिल करना इनका कोई शौक नहीं, इल्म से इनकी कोई रगबत नहीं, इल्म की तरफ ये जाते नहीं है। और उसके बाद मौला ने क्या फरमाया? वलम यलजउ इला रुकनिन वसीख, इनके पास कोई मजबूत सुतून भी तो नहीं है। अगर मजबूत खुद ना होते, उस मजबूत पिलर ही से लिपट जाते। खुदा की कसम, जरा सा गौर कीजिए जुमले पर। आंधी चली, तूफान चली, चला, हमारा कोई वजूद नहीं था, हमारा वजन कम था, आंधी का वजन ज्यादा था, हम सुतून से लिपट गए। जिस सुतून से लिपटे उसने हमें उड़ने से बचा लिया। मौला फरमा रहे हैं वलम यलजउ इला रुकनिन वसीर, इनके पास कोई मजबूत सुतून भी तो नहीं है, जब आंधी चले तो ये सुतून से लिपट जाए। अरे जमाने के पास सुतून हो ना हो, हमारा तो एक सुतून आज भी गैबत के पर्दे में कायम है। सुतून से लिपट जाइए, आप उड़ने से बच जाएंगे। ये मौला का मैंने कॉल सुनाया और अपनी औकात और बसात भर तर्जुमा में करता गया। अब मुझे नहीं मालूम मैंने बहुत ज़्यादा खुश्क मजलिस तो नहीं पढ़ दी। बहरहाल अहले इल्म तशरीफ़ फरमाएं और यहाँ माशाल्लाह इस्लाही और इल्मी बातों की कदर की जाती है। कदरदान निगाहें मेरे सामने तशरीफ़ फरमाएं। आलिम रब्बानी, आलिम के कितने फ़ज़ाइल हैं कौन बताए। दूसरे तालिब इल्म, हमेशा ज़िंदगी भर हमें इल्म का तालिब रहना चाहिए। इसीलिए नबी ने फरमाया उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, गहवारे से कब्र तक इल्म हासिल करो। कोई नहीं बताता कि गहवारे से कब्र तक इल्म कैसे हासिल करना है। हम बताते हैं, बच्चा पैदा हुआ कान में अजान व अकामत कह के बताया, ये गहवारे से इल्म का सिलसिला शुरू हो गया। जब चार कांधों पर उठा के ले चले तो तलकीन सुना के बताया, अब ये लहद वाला इल्म का सिलसिला शुरू हो गया। हम ये बताते हैं कि देखो जिंदगी भर इल्म का तालिब रहना चाहिए इंसान को, और इंसान कहलाने का हक भी उसी को है जो जिंदगी भर इल्म का तालिब रहे। इल्म शोरफा की मीरास है, इल्म अंबिया के लिए तो रह इम्तियाज है, इल्म जीने का हुनर सिखाता है, इल्म मरने के सलीके सिखाता है,
इल्म किताब वजूद और किताब हस्ती को वजनी बनाता है। इल्म जानना चाहते हो कि इल्म के मर्तबे क्या हैं तो कभी कुरान पढ़ो, नहजे बलागा पढ़ो। एक बात हालात हाजरा के तहत कह दूं, आज रिजल्ट आए, आज पूरी हिंदुस्तान में निगाहें लगी हुई थी लोगों की, कर्नाटक में क्या रिजल्ट आएगा। इस रिजल्ट का भी एक रिजल्ट सुना दूं, इस नतीजे में भी एक नतीजे की तरफ आपको मुतवज्जे कर दूं। आपने देखा जहां इल्म की रोशनी होती है वहां बेदारी भी होती है। आप सर्वे करके देखिए, कभी कर्नाटक में हिंदू मुस्लिम फैसाद हुआ, हैदराबाद में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, मैसूर में हुआ, नहीं होता। क्यों? इसलिए कि वहां पढ़े लिखे लोग रहते हैं, झगड़ते जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं झगड़ते। और आज उन्होंने फैसला भी करके बता दिया कि देखो हम पढ़े लिखे हैं तो हम साबित भी कर रहे हैं। तो इल्म की रोशनी खुद बता देती है कि यहां इल्म है, यहां रोशनी है। इल्म क्या है? कुरान इल्म है, आयतें इल्म है, सूरे इल्म है। कहां तक बताऊं? बस जुमला समेट के कहता हूं कि कुरान पूरा इल्म है और अली भी इल्म है। फर्क इतना है, जब तक खामोश रहे तो कुरान कहलाया, जब इल्म बोलने लगा तो अली कहलाया। जब इल्म को जबान मिली तो नाम है अली, जब इल्म खामोश रहा तो नाम है कुरान। इसलिए कि मशीयत की जबान अली है, मशीयत की जबान यही 14 हैं, कुरान इन्हीं की जबान से जारी होता है। हमें क्या पता चलता कि कुरान कुरान है? इन्हीं ने बताया कि ये कुरान, इन्हीं ने समझाया कि ये कुरान, इन्हीं ने बताया कि कुरान। और कुरान पढ़ने के फ़ायदे और कुरान पढ़ने का सवाब देखिए, इस आले सवाब की मजलिस से सूरह हम्द और 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ा, कितना सवाब मिला। इतने लोगों ने पढ़ा तो कितना सवाब मिला। और ये जो मजलिस में आप कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये तस्बीह परवरदिगार है। याद रखिए, जितने सामईन मजलिस में सुभान अल्लाह कहते हैं उन्हें भी तस्बीह का सवाब मिलता है, जिसके इसाले सवाब के लिए मजलिस बर्पा की गई है उसे भी ये सवाब मिलता है। इसलिए कि अल्लाह के यहाँ सवाब की कमी नहीं है। और वैसे भी ये मजलिस किसी बखील का जिक्र नहीं है, सखी इब्ने सखी का दरबार है, ये उस अली का दरबार है जिसके यहाँ इबादतों की कमी नहीं है, जिसकी एक जरबत कायनात की इबादतों पर भारी है। आप सुभान अल्लाह कहिए, आपको भी सवाब मिलेगा। जिस मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस हुई उसे भी सवाब मिलेगा। ये जो सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, जीते रहिए और जिंदा रहिए, फिर उर्दू में तारीफें शुरू हो जाती। ये इसके कई पहलू हैं। एक तो हमारी गर्दन पर हर जाकिर का हक होता है। किसी शायर ने पढ़ा, उसका हक हमारी गर्दन पर। फर्श अज़ा का हक हमारी गर्दन पर है। किसी का हक हमसे जाने अनजाने में गस्ब ना हो जाए, इसलिए कि हम हर किस्म के और हर जमाने के गासिब पर लानत करते हैं। वो चाहे जिस किस्म का गासिब हो हम उस पर लानत करते हैं। ये जो ये भी सुन लीजिए, बाद लोग कहते हैं साहब हमारे यहाँ मजलिस में बहुत ज्यादा दादवाद नहीं मिलती। दाद ना हो मगर बेदाद भी ना हो, दाद ना हो दुआएं हो आपकी लेकिन बेदाद भी ना हो। ये जो दादवाद का ताल्लुक है ना, एक जुमला कहूं आहिस्ता, मजलिस इश्किया सब्जेक्ट है। खुदा की कसम ये आशिकों का निसाब है। मजलिस जिक्र हुसैन आले मोहम्मद के आशिकों का निसाब है, दुनिया के दीवानों का निसाब नहीं है, ये आशिकों का निसाब है। ये जो हम कहते हैं सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बात इलेक्शन की चल रही है, जगह जगह इलेक्शन की बातें हो रही हैं। आज से 50-60 बरस पहले चले जाइए तो अब तो मशीनों से इलेक्शन हो रहे हैं, उससे पहले
और ज़रा दूसरा तरीका होता, उससे पहले चले जाइए तो गांव बस्ती में जब प्रधान बनाया जाता था तो सब लोगों को जमा कर लिया जाता था और उसमें दो सफ़े मुअय्यन हो गई, मसलन दो कैंडिडेट हैं दो सफ़े, कहा साहब शोएब नौगानवी साहब की तरफ से कौन है हाथ उठा दें, जितने इनको सपोर्ट करने वाले थे सब ने हाथ उठा दिए, जो दूसरी पार्टी वाले थे उन्होंने उधर खड़े होकर हाथ उठा दिए। ये हाथ उठाने में कम से कम एक फ़ायदा तो था कि मुनाफिकत नहीं थी, ऐसा है या नहीं है, इसमें मुनाफिक पैदा नहीं होते थे बल्कि जो था वो खुले आम था, हम इधर हैं हम इधर हैं, हम इनके वफादार हैं हम इनके वफादार हैं, हम इनके वाले हम इनके वाले हैं, हाथ उठाए जाते थे ना। ये जो मजलिस में आपसे कहा जाता है हाथ उठाओ, ये इसलिए है हाथ उठा के पता चल जाता है हम हुसैन वाले हैं, हाथ इसलिए उठवाए जाते हैं ताकि पता चल जाए हम हुसैन वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं। ये तो मैं बुजुर्गों की खिदमत में बनजर इखलास कर रहा हूँ। अब जो सफ़े अतफाल है, जो नौनिहाल हैं, जो छोटे बच्चे बैठे हैं, जो कमसिन हैं, उन्हें खिताब करके कहता हूँ, जब बच्चा स्कूल जाता है और टीचर पूछता है किस किस को सबक याद है, ज़रा हाथ उठाओ, हाथ वही उठाता है जिसमें को सबक याद हो। ये मजलिस हुसैन भी एक सबक है, यहाँ भी हाथ वही उठाता है जो घर से होमवर्क करके आया है, जिसने सबक खोल के देखा ही नहीं है वो हाथ बांध के बैठता है, खोल के नहीं बैठता। ये मजलिस में हाथ उठाना, और कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि बस लेक्चर बन के बात रह जाए, नहीं, मजलिसों की तहसीब है। हमारे यहाँ रवायती आज़ादारी होती आई, रवायती आज़ादारी पर गौर कीजिए और रवायती आज़ादारी ही पर जोर दीजिए। हर बस्ती में हर शहर में पुराने नोहे पुराने मरसिए जो होते थे, क्या कैफ है उन मरसियों में, क्या लुत्फ है उन नोहों में। खुदा की कसम, नोहा हो नौहियत हो उसमें साज ना हो, खुदा की कसम ये पैगाम है। अब सोज खत्म हो गया साज बढ़ गया, और फिर किसी एक गलत आदमी की वजह से पूरी आज़ादारी को गलत नहीं कहा जा सकता, याद रखिए, किसी एक गैर जिम्मेदार की वजह से सबको नहीं लपेटा जा सकता। कौन सा गिरोह कौन सा तबका ऐसा है जिसमें 100% सब दूध के धुले हैं, क्या कहना, क्या कहना? मुझे बताइए, हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं जो डिपार्टमेंट को बदनाम करने के लिए पैदा हो जाते हैं, तो फिर मेंबर ही को निशाना क्यों बनाते हो, खतीब ही को निशाना क्यों बनाते हो, शायर ही को निशाना क्यों बनाते हो, मर्सी खान ही को निशाना क्यों बनाते हो। डिपार्टमेंट तो और भी बहुत हैं, कुछ और लोग भी तो हैं जिनका हिसाब लिया जाए। मैं बहुत बेदरेग बोलता हूँ, बहादुरी के साथ बोलता हूँ, शजात के साथ बोलता हूँ, इसलिए कि मैं खुदा से डरता हूँ। जाओ एक जुमला और, जुमला नहीं पूरा एक फार्मूला दे के जा रहा हूँ नौजवानों, जो खुदा से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो खुदा से नहीं डरता वो सबसे डरता है, इसलिए खुदा से डरो ताकि खुद शनासी पैदा हो, खुद शनासी पैदा करो ताकि खुदा शनासी तक सफर तय कर सको। खुदा की कसम ये पैगामात हैं, इन पर गौर करने की ज़रूरत। माशाल्लाह जौनपुर के मोमिनीन से एक ज़माने के बाद मुझे गुफ्तगू करने का मौका मिला, इसाले सवाब की मजलिस, इसाले सवाब की मजलिस में इतने लोग जमा हुए, एक जुमला शोएब भाई की मौजूदगी में सईद भाई के यहाँ एक बरस पहले कहा था, आज उसे दोहराता हूँ। देखो हमारे उलमा ने बताया, मासूमीन अलैहिस्सलाम के अकवाल हमें सुनाए और बताया कि देखो अगर किसी के यहाँ मौत हो जाए तो उसमें ज़रूर शरीक होना, जनाजे को कंधा ज़रूर देना, कहीं मौत हो जाती है हम खुशी में शरीक होना हो, मगर गम में सारी नाराज़गी दूर हो जाती है, आपको शिकवा नहीं रहता, इंसानियत यही है। हम अगर किसी से कोई शिकवा गिला था भी किसी घराने से, उसमें खुदा नवास्ता गम हो गया तो हम चले जाते,
इसलिए कि हम जानते हैं कि जनाजे छोड़ना अच्छी अलामत नहीं है। क्या बात? और फिर उसे चार कांधों पर उठा के कब्रिस्तान तक ले जाते हैं, आखिरी सफ़र होता है, जनाजे को ले कर जाते हैं और अपने जाने वाले को ऐसे ही छोड़कर भी नहीं आते, उसे तलकीन ही सुनाते हैं, शाना हिलाते हैं। एक जुमला और आ गया, वो भी सुन लीजिए। जब शाना हिलाया जाता है तो क्या कहा जाता है? इस्मा इफ़हम, दोनों हैं अमर के सीगे, ऑर्डर। इस्मा सुन, इफ़हम समझ। अब मैं इस पढ़े लिखे मजमे से पूछ रहा हूं, जब सुन कह दिया तो समझ क्यों कहा? जब सुन कह दिया तो समझ क्यों कहा? इसका मतलब जाते जाते भी पैगाम दिया जा रहा है कि खाली सुन लेने का नाम इस्लाम नहीं है, समझने का नाम इस्लाम है। समझने का नाम इस्लाम। जाते जाते उसे तलकीन सुनाई जा रही, उसे अकीदा सुनाया जा रहा है। खुदा की कसम, ये भी जुमला बहुत बड़ा मैंने कहा है, पूरी तहकीक कीजिएगा इस जुमले पर। जाते वक्त शाना हिला के ये नहीं कहा जाता सुनो समझ, सुबह की नमाज दो रकत है, जोहर की चार रकत है, असर की चार रकत है, नहीं। क्या कहा जाता? सुन, जब आने वाले फरिश्ते तुझसे पूछे तेरा रब कौन है तो कहना अल्लाह रब जल्ला जलालहु रब्बी, अल्लाह मेरा रब है, मोहम्मद मेरे रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान मेरी किताब है, इस्लाम मेरा दीन है, अली और अली के 11 मासूम बेटे मेरे इमाम हैं, यही तो पढ़ाया जाता है। इसका मतलब ये कि कब्र में पहला सवाल अकीदे का होगा। मैं इसकी वजाहत नहीं कर रहा हूँ, उसूल दीन का सवाल कब्र में होगा। तो पहला पर्चा तो अकीदे का है, अमल की बारी बाद में है, अमल बाद में देखा जाएगा अगर अकीदा सही है, और अगर अकीदा ही सही नहीं है तो फिर दूसरा सवाल क्या मतलब है? पहले तो अकीदा सही होना चाहिए। और जब हम लिटा के चले आते तो यहाँ पर मैं एक जुमला कहता हूँ, हमारे उलमा ने हमें बताया, मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बताया कि कोई मर जाए तो उसे कांधा जरूर देना, बहुत सवाब है कांधा देना। हम मुर्दा को कांधा देते हैं, काश कोई ये और बताए कि जब मुर्दा को कांधा देना इतना सवाब है तो जिंदा को सहारा देना ये कितना बड़ा सवाब है। लोग मरने के बाद तारीफें करते हैं, भाई फलां साहब अच्छे आदमी थे, बड़े अच्छे आदमी थे, चले गए, जीते जी तो कभी आपने तारीफ ना की। इसका मतलब ये कि आप इंतज़ार में हैं कि कोई मरे तो तारीफ करें। हौसला अफजाई कीजिए जिंदगी में। कुछ लोग वो हैं कि मरने के बाद तारीफ करते, तो क्या अब आपसे तारीफ लेने के लिए मरना पड़ेगा कि पहले मरे ताकि आप तारीफ करें? हम तो जिंदगी ही में कौम पर मरे जा रहे हैं ताकि कौम मरने से बच जाए। खुदा की कसम, कौम को जिंदा रखना ये मिंबर का फरीजा है, कौम जिंदा रहे। जाने वाले को कांधा देते हैं मगर जिंदा को सहारा भी तो दो, जिंदा को सहारा देना ये कितना ज़रूरी काम है। तुम्हारे होते हुए कोई गरीब भूखा ना रह जाए, ऐसा ना हो कि तुम लुकमा तर खा रहे हो और तुम्हारी दीवार के उस तरफ कोई बेवा सैदानी अपने बच्चों को बहला के सुलाने की कोशिश कर रही है। ये जिंदगी नहीं है, जिंदगी ये है कि तुम अपने हिस्से का लुकमा भी किसी यतीम को खिला दो। मौलाए कायनात जब 19वीं शब को जरबत लगी और तबीब को बुलाया गया और उस जमाने का सबसे बड़ा तबीब आया और उस तबीब ने पूरा एक अमल अंजाम दिया, एक जानवर को ज़बह किया और उस जानवर की पूरी एक रग निकाली और फिर दिमाग के अंदर उसने ये चेक किया कि कहाँ तक जहर पहुँच चुका है। उसने कहा मौला बहुत कम चांस है, जहर अंदर तक सरायत कर चुका है। फिर शहजादों को बुला के कहा जितना हो सके मौला के लिए शीर का दूध का इंतज़ाम कीजिए, इसलिए कि मौला जितना जितना शीर नोश फरमाएंगे उतना उतना जहर का असर खत्म होगा। ये आवाज कूफे के गली कूचों में गूंजना शुरू हुई, जैसे ही कूफे के गली कूचों में यह आवाज गूंजी कि अली के लिए शीर तजवीज किया है तबीब ने, नन्ने नन्ने यतीम
गरीब छोटे छोटे बच्चे घरों से निकले, हाथों में कूजे लिए हुए, कूजों में शीर लिए हुए अली के दरवाजे पर खड़े हो गए और जमा होकर सबने कहा, आज हमने ये फैसला किया है हम शीर नहीं पिएंगे। अरे हमारा सर अपने जानू पर रखकर हमें लुकमा खिलाने वाला मौला आज तकलीफ में है। जज़ाकअल्लाह। ये है सीरत अली, जिंदगी गुजारने का तरीका अली से सीखो। अली ने बताया कि जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है, ये कूफा है 40 हिजरी का कूफा, जहाँ नन्हे नन्हे बच्चों ने सुना कि आज अली के घर में शीर की जरूरत है। वो सब घरों से कूजे लेके निकल आए, मगर हाय करबला, हाय 61 हिजरी, हाय दश्ते नैनवा, कौन था जो अली असगर की प्यास को देखकर कूजा ले गया था। जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह। तड़प तड़प के आप रोने लगे, बिलक बिलक के आप रोने लगे। खुदा की कसम, ये आपके आंसू नहीं है, ये आपके ज़मीर की तहारत का ऐलान है, ये तीनत तहारत का जौहर है जिसे अश्की अज़ा कहा जाता है। आंसू हर एक का मुकद्दर नहीं होता, हर आँख की किस्मत ऐसी नहीं होती कि गम हुसैन में उसकी आँखों से आंसू बरसे। ये आंसू नहीं होते, मारिफत के मोती होते। इसलिए कि मारिफत के मोती ना होते तो रुमाल जहरा इन्हें जमा करने के लिए ना आया होता। जज़ाकअल्लाह। आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, आप मायल बगरिया हैं। बरसी की मजलिस, डॉक्टर मोहम्मद मेहदी हैदर इब्न अब्बास हैदर मरहूम एक लाजवाब इंसान थे, जिनके एक बरस गुजरने के बाद उनके वारिसीन ने मजलिस बर्पा की। माशाल्लाह दूर तक बैठे हुए अफराद इस बात का बोलता हुआ सबूत हैं कि एक बरस के बाद भी हम अहले खाना को उनके बेटों को ताज़ियत अदा करने के लिए आए हैं। एक बरस गुजर गया, बरसी हो रही है, बरसी की मजलिस में इतना बड़ा मजमा रात के इस पहर जमा हो गया पुरसा देने के लिए आए, मगर कौन था जो करबला में गरीब जहरा का पुरसा देता। 71 जनाजे हुसैन ने उठाए, एक बुलंदी पर खड़े हुए और खड़े होकर आवाज दी, अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। जज़ाकअल्लाह। खुदा की कसम, ये ऐसा शेर है शोएब भाई, ये ऐसा शेर है जिस ज़माने में पढ़ा जाए ऐसा लगता है आज ही के लिए कहा गया है। हुसैन कह रहे हैं अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। अरे कौन था जो आका हुसैन को अली अकबर का पुरसा देता, अब्बास दिलावर का पुरसा देता, कासिम का पुरसा देता। एक भरी दोपहर में हुसैन ने 71 जनाजे उठाए, कड़ियल जवान के सीने से बर्शी का फल खींचा, अब्बास के कटे हुए बाजू उठाए, कासिम की लाश के टुकड़ों को अबा के दामन में जमा किया, और मोहम्मद के लाशों को उठाया, आखिर में एक नन्ही सी कुर्बानी अली असगर को लेके आए, तीरे से शोबा असगर के गले पर लगा, आवाज दी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। असगर के गले से तीरे हुरमला ये कह के खींचा, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलल्लाह, अब आखिरी कुर्बानी हुसैन पेश कर चुके, मैदान करबला में आए, कयामत का हमला की आवाज दी, जालिमो क्या तुम समझते हो कि हुसैन मजबूर है। खतीब आले मोहम्मद का एक जुमला मुझे याद आया, उसी जुमले को पढ़ के मजलिस को मुकम्मल करता हूँ। आपके आंसुओं में कोई कमी नहीं है, अभी भी इंशाल्लाह आंसुओं में मजीद इजाफा हो जाएगा। खतीब आले मोहम्मद मौलाना अज़हर हसन ज़ैदी कहते हैं कि जिहाद दो तरह के हैं, एक जिहाद असगर है, एक जिहाद अकबर है। हुसैन ने जिहाद असगर किया है, सज्जाद ने जिहाद अकबर किया। जो समझ गए हैं उनके आंसुओं में कमी ना होगी। ए खतीबे आले मोहम्मद, 72 घंटे की प्यास, 71 कुर्बानियां, फिर अपना सर बारगाहे खुदावंदी में देना, कड़ियल जवान का लाशा उठाना, चाहने वालों की मैयतों को उठाना, भरा घर कुर्बान कर देना, आप कह रहे हैं जिहाद असगर है, का नहीं, इससे बढ़ के एक इम्तिहान है जिसे जिहाद अकबर कहा जाता है। सलाम करो सैयद सज्जाद को जिसने फुफियों को बेरेदा देखा।
آل رسول کو بے چادر بے مخنا دیکھا اہل حرم اور مجمع اغیار. یہ سید سجاد کا امتحان ہے عزیزو. بس مجھ میں زیادہ طاقت نہیں ہے مگر ایک یا ڈیڑھ منٹ مجلس سنیے. بہت روئے آپ, آنسوؤں میں اور مزید کمی نہ ہوگی انشاءاللہ. پرسہ دیتے ہوئے آپ اٹھیں گے. کتنا بڑا امتحان تھا سجاد کا بتاؤں. جب مولا سجاد قید شام سے چھوٹ کر مدینے آئے اور مولا کے پاس چاہنے والے بیٹھتے ہیں دن رات مولا روتے رہتے ہیں. کوئی پانی صاحب نے لایا تو مولا رونے لگے, آئے یہ وہ پانی ہے کہ میرا اصغر پیاسا مارا گیا. کوئی وضو کے لیے پانی لاتا ہے مولا رونے لگتے ہیں. ارے مولا رونے لگتے ہیں. ایک مرتبہ ایک جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا, قصاب کا ہاتھ مولا نے تھاما اور ایک جملہ کہا, بھائی اسے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا. قصاب ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے, مولا یہ ہمارا دستور ہے, جب تک جانور خود پانی سے منہ نہ ہٹا لے ہم اسے ذبح نہیں کرتے. کربلا کا رخ کر کے کہا, اے مولا یہ مدینے کے جیسے قصاب ہے جو جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے. ہائے کربلا, میرا اصغر پیاسا, میرا اکبر پیاسا, میرا چچا ابا, میرے اونا محمد, میرے قاسم پیاسے شہید کر دیے گئے. مولا اتنا روتے ہیں. ایک مرتبہ مولا کو روتا ہوا دیکھا, صحابی نے بڑھ کر ایک جملہ کہا, مولا کب تک روتے رہیے گا؟ مولا نے قیامت کا جواب دیا, آزادارو خدا کی قسم مر بھی جائیں تو رونے کا حق ادا نہیں ہوتا. مولا فرماتے ہیں, منحال یہ بتاؤ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ کہا مولا 12 بیٹے. کہا کتنے شہید ہوئے؟ کہا مولا کوئی نہیں. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ایک یوسف تھا جو غائب ہوا. کہا یوسف کے غائب ہونے پر فراق یوسف میں یعقوب کتنا روئے؟ کہا اتنا روئے قرآن کہتا ہے کہ آنکھوں کی بینائی جاتی رہی. اب میرے مولا ایک جملہ کہتے ہیں, اے منحال یعقوب کا ایک یوسف غائب ہو جائے تو یعقوب اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی غائب ہو جائے. ارے میرے سامنے 72 یوسف, اکبر میرے سامنے, عباس میرے سامنے, اور محمد میرے سامنے. جزاک اللہ اجرکم اللہ. ایک مرتبہ منحال نے ہاتھوں کو جوڑا اور ایک جملہ کا, مولا آپ ہی تو فرماتے ہیں نا کہ شہادت ہماری میراث ہے, قتل ہونا ہمارے لیے کرامت ہے. مولا اپنی جگہ سے اٹھے, دونوں بازوؤں کو تھاما اور منحال سے ایک جملہ کہا, اے منحال اسی لیے تو روتے ہیں, قتل ہونا تو ہماری میراث ہے مگر کیا بہنوں اور پھوپھیوں کا بیرے دا, درباروں میں آنا, بازاروں سے گزارا جانا, کیا یہ ہماری میراث ہے؟ ارے سجاد کے نگاہوں نے دیکھا وہ کوفے کا بازار, وہ شام کا دربار, شرابیوں کا مجمع, علی کی بیٹیاں پہرے دار. یہ سید سجاد کا امتحان. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. الہی بحق ظہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع. پروردگار ان آوازوں پر اپنی نعمتیں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما, مومنین کی توفیقات عذاب کا اور ولا میں اضافہ فرما. میرے معبود تجھے آقا مظلوم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ مرحوم ڈاکٹر محمد مہدی حیدر ابن عباس حیدر کے درجات بلند فرما, ان کے درجات اتنے بلند فرما کہ غلامان سرکار ابا عبداللہ الحسین میں بہتر مقام کرامت فرما. ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. ان کے اہل خانہ کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما. توفیقات میں اضافہ فرما. ہم سب کی معرفت میں اضافہ فرما. ہمیں عملی طور سے آل محمد علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما. پروردگار جو مومنین مومنات بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. کل مومنین مومنات اور علماء کی حفاظت فرما. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے عوان و انصار و سپاہیوں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بارے دیگر مرحوم مذکور جناب ڈاکٹر محمد مہدی حیدر ابن حیدر مرحوم کی روح کے لیے ہدیہ ثواب.
जाता है मेरे पहलू
السلام علیکم سیران کربلا السلام علیکم।